गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं मशीन के बारे में। मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम स्मॉल इफर्ट लगा के कोई वर्क अपना बहुत आसानी से, इजीली और क्विकली बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मोस्टली चार टेक्निकल टर्म्स इसके होते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका आता है इफर्ट। जो फोर्स हम लगाते हैं मशीन पर वो इफर्ट होता है। सेकेंड है लोड। लोड क्या होता है? जो मशीन फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पर वो लोड होता है। थर्ड आपका आता है मैकेनिकल एडवांटेज, और फोर्थ आता है वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन इफर्ट। ठीक है, अब अगर लोड ग्रेटर देन होगा इफर्ट से तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन होगा वन से। इफ यानी अगर लोड लेस देन होगा इफर्ट से देन मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑल्सो लेस देन वन। इफ लोड एंड इफर्ट आर इक्वल देन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एट विच इफर्ट इज अप्लाइड ऑन अ मशीन टू द वेलोसिटी एट विच द लोड इज लिफ्टेड। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर हम अगर इफर्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए ये पाइवोटेड है, यहाँ इफर्ट लगा रहे हैं, तो इस पर जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है इफर्ट लगाने पर, और लेफ्ट साइड पर हमारा लोड होता है, तो लोड भी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, इनका रेशियो होता है वेलोसिटी रेशियो। मीन्स वेलोसिटी एट विच द इफर्ट इज मूव्ड अपॉन वेलोसिटी एट विच लोड इज मूव्ड। ओके, लोड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो होगा आपका डीएल अपॉन टी, और इफर्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो होगा डीई अपॉन टी, जहां डीएल और डीई क्या है? ये लोड का डिस्प्लेसमेंट है, ये इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाता है? यहां से निकाल लेंगे, डी ई अपॉन डी एल आ जाएगा। वर्क आउटपुट क्या होगा? लोड पर जो हमने वर्क किया है, लोड इंटू जो डिस्प्लेसमेंट होगा लोड का। और वर्क इनपुट क्या होगा? इफर्ट जो हमने लगाया है, और इफर्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका मल्टीप्लीकेशन। इफिशियंसी उस मशीन की कितनी होगी? जो आउटपुट हमें मिलता है, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं, यानी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट करते हैं, तो इससे इफिशियंसी निकल जाती है। परसेंटेज इफिशियंसी क्या होगा? आउटपुट अपॉन इनपुट में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज निकल जाता है। अभी आउटपुट हमने पीछे निकाला था, इनपुट एल इंटू डी एल आउटपुट है, इनपुट ई इंटू डी ई है, कैलकुलेट करते हैं। लोड अपॉन इफर्ट हमने अलग कर लिया, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। डी ई अपॉन डी एल आपको होता है वी आर, यहाँ लिखा है डी एल अपॉन डी ई, तो ये वन अपॉन वी आर हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। इनका रेशियो अगर निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का, तो ये इफिशियंसी निकल जाती है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कंसेप्शन है। अ मशीन इज विच नो एनर्जी इज लॉस ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग द इज कॉल्ड द आइडियल मशीन। एक आइडियल मशीन क्या होता है? जिसको हम ऑपरेट कर रहे हो कोई भी एनर्जी उसकी लॉस ना हो, यानी इसमें जितना हम इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट हमें मिल जाए, तो आइडियल मशीन होता है। एक्चुअली प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। तो अब हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर क्या होता है? एक रिजिड बार होता है, ये स्ट्रेट हो सकता है, बेंट हो सकता है, हैविंग अ फिक्स, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये क्या क्या करता है? रोटेट कर सकता है, रेस्ट रह सकता है, रॉड कैन बी टर्न्ड इज कॉल्ड लीवर, एंड दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको फलक्रम कहते हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट लीवर तीन काइंड के होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है? जैसे फिक्स टर्म आपका बीच में हो गया, बीम बैलेंस की अगर हम बात करें तो उसी तरह से फर्स्ट काइंड का आपका लीवर होगा, जिसमें राइट साइड में इफर्ट लगाते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोड को पुट करते हैं। ठीक है, यानी इस काइंड के लीवर में फलक्रम बीच में होगा, राइट साइड में इफर्ट होगा, लेफ्ट साइड में लोड होगा। सेकंड काइंड में क्या होता है? लोड आपका बीच में आ जाता है, फलक्रम लेफ्ट साइड में चला जाता है। और थर्ड काइंड में क्या होता है? यही लोड आपका राइट साइड में आ जाता है, इफर्ट बीच में आ जाता है, फलक्रम आपका इधर था। फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि यहाँ से देखेंगे इफर्ट आपका क्या है? क्लॉकवाइज बनेगा इस तरह से, और लोड आपका क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यहाँ आप देखेंगे तो लोड आपका क्या बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा, और इफर्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। यहाँ आप देखेंगे लोड आपका क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, और इफर्ट आपका क्लॉकवाइज बनेगा, दोनों ही क्लॉकवाइज रहेंगे। अब यहाँ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एग्जांपल्स आते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट यू सी इट, देन आपका आता है लॉ ऑफ लीवर। लॉ ऑफ लीवर क्या होता है? अगर हम बीच में पॉइंट को फिक्स कर दे रहे हैं, एक पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दूसरे पे लग जाता है, यानी कपल हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ कपल इसमें लगेगा। अब अगर हम इफर्ट वाले पोजीशन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इफर्ट आपका यहाँ लगेगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी फिक्स पॉइंट से, वो क्या होगी? इफर्ट आर्म होगा। ये आपका फिक्स पॉइंट है मान लीजिए, और इधर लोड आपका है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी लोड आर्म। क्लियर?
अब क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट फलक्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट फलक्रम। तो इफर्ट क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या होगा, जैसे ये फिक्स पॉइंट है, इधर हम इफर्ट लगा रहे हैं तो क्लॉकवाइज इधर होगा, तो इफर्ट क्लॉकवाइज होगा, तो इफर्ट इंटू इफर्ट आर्म इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म। यहाँ से हमने निकाल लिया है इफर्ट आर्म, लोड आर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म आ जाता है इज इक्वल टू लोड अपॉन इफर्ट। लोड अपॉन इफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो, मींस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, लॉ ऑफ लीवर है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने लॉ ऑफ लीवर पढ़ा है, उसमें हमने निकाला है कि एम ए इज इक्वल टू वी आर होता है। एम ए लोड अपॉन इफर्ट और वी आर आपका इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब कुछ केसेस हैं आपके, जैसे इफर्ट आर्म बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन होगा लोड आर्म से, तो वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन हो जाएगा वन से। अगर वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन वन है तो ये एम ए के बराबर होता है, तो एम ए भी ग्रेटर देन वन होगा। ऐसे ही जब दोनों बराबर हो जाएंगे इफर्ट आर्म लोड आर्म, तो एम ए और वी आर बराबर हो जाएंगे। और तीसरा, अगर इफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म हो गया, तो वेलोसिटी रेशियो लेस देन वन हो जाएगा, एम ए भी आपका लेस देन वन हो जाएगा। तीनों काइंड के लीवर के लिए मैंने लिख दिया है, फर्स्ट काइंड में तीनों होल्ड करेंगे, सेकंड काइंड में एम ए आपका बड़ा होता है यानी एम ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, थर्ड काइंड में एम ए इज ऑलवेज लेस देन वन। तो ये आपको देख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पुली। अब पुली क्या होता है, ठीक है, ये एक सिंपल मशीन होता है जिससे हम लोड को वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। ये पुली का एक मैंने फिगर बनाया हुआ है, इसमें ये आपका सर्कुलर डिस्क होता है ये पूरा, जिसमें ये जो आपका ये वाला पार्ट है पूरा जिस पे हम स्ट्रिंग को लगाते हैं, ये आपका ग्रोव होता है। ये पॉइंट जहाँ ये फिक्स रहता है ये एक्सल होता है, और ये पूरा जो फ्रेम आपका, इसको ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक। अब कभी भी कोई भी पुली सिंगल नहीं यूज़ की जाती, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड, दो तरह की पुलीज लगाई जाती हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, ये एक रिजिड सपोर्ट से अटैच रहता है, राइट साइड में इफर्ट, लेफ्ट साइड में लोड रहता है। ठीक है, मान ले दोनों इक्विवेलेंट की कंडीशन में है, यानी लोड और इफर्ट दोनों बराबर हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम इसको कंसिडरेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंगल फिक्स पुली में क्या है, इफर्ट लोड, इफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर थे तो वन आ गया। ठीक है, तो जितना आपका वेलोसिटी रेशियो आया लॉ ऑफ लीवर से, उतना ही आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है। ठीक है, दोनों वन वन आपके आ गए, तो सिंगल फिक्स पुली में क्या हो गया, दोनों वन आ गए, एम ए और वी आर। तो इफिशियंसी एम ए अपॉन वी आर वन अपॉन वन यानी 100। ये केवल मैथमेटिकल कंसेप्शन है, इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। सेकंड आपका है सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली इस तरह से होती है, जहां पुली आपकी मूव हो सकती है रिजिड सपोर्ट से। देखेंगे स्ट्रिंग लगा हुआ, स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा लोड की वजह से, दो तरफ टेंशन हो जाएंगे तो लोड आपका 2T के बराबर हो जाता है। इफर्ट आपका इस टी पे लग रहा है तो इफर्ट आपका टी के बराबर हो जाता है। एम ए होता है लोड अपॉन इफर्ट, वैल्यू हमने रख दी 2 आ गया, उतना ही वी आर आपका हो जाएगा लॉ ऑफ लीवर से। तो जब दोनों 2 और 2 आ गए तो इफिशियंसी फिर से 100%। ये आपका क्या होता है, दिस इज मैथमेटिकल कंसेप्शन, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन वन। क्यों? क्योंकि जहां ग्रोव पे आपकी स्ट्रिंग लगेगी वहां फ्रिक्शन होगा, तो हमें इफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा लोड से। ठीक है, अब ये कभी सिंगल नहीं यूज़ की जाती, हमेशा कंबाइंड यूज़ की जाती है। जैसे यहाँ हमने देखा है कि एक हमने फिक्स कर दिया, एक मूवेबल लगाया। मूवेबल का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2 होता है। तो जो फिक्स हम करते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं, जो आपका मूवेबल रहेगा उसको टैकल कहते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकती हैं, ब्लॉक और टैकल में नंबर ऑफ पुलीज सेम हो सकती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलीज ज़्यादा हो सकती हैं टैकल से। सिर्फ दो ही कंडीशन आप यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने फिगर बनाया है जो दोनों में सेम है, यानी ये ब्लॉक है आपका, 2 पुलीज हैं, टैकल है आपका, 2 पुलीज हैं। जो लोड है आपका वो स्ट्रिंग से फिक्स है 4 बार, 1, 2, 3, 4 से। तो टेंशन आपका लोड के, लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4T। और इफर्ट आपका सिंगल टी पे लग रहा है इस वाली स्ट्रिंग पे, तो आपका कितना हो जाएगा, टी। तो एम ए आपका 4 आ गया, तो लॉ ऑफ लीवर से वी आर भी आपका 4 हो जाएगा। इफिशियंसी 100%। ऐसा मैथमेटिकल कंसेप्शन है, एक्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होता। दूसरे टाइप की पुली क्या हो जाएगी, ब्लॉक में ज़्यादा हो सकता है, टैकल में ज़्यादा नहीं हो सकता ब्लॉक से। तो यहाँ हमने 3 पुलीज लगा दी हैं ब्लॉक पे, यहाँ टैकल में 2। देख लेते हैं, ये स्ट्रिंग गई 1,
ये टू आपका हो गया, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव टी, ये चारों स्ट्रिंग आपसे फाइव टी हैं, पांचों टेंशन आपके लोड से अटैच हैं, तो लोड आपका हो गया फाइव टी, इफर्ट आपका केवल इस टी से अटैच है, तो इफर्ट आपका टी के बराबर हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज फाइव आ गया, लॉ ऑफ लीवर से फाइव ये भी आ गया, एफिशिएंसी फिर से 100%, बट इन प्रैक्टिस एफिशिएंसी ऑफ पुली सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन 100, ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इज गियर। गियर इज अ व्हील विथ टीथ अराउंड इट्स रिम। गियर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी गियर क्या होता है, एक रिम होता है जिसपे टीथ बने होते हैं, ठीक है, ये कभी सिंगल नहीं यूज किया जा सकता, ये किया जाता है, एक डबल ही यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक गियर आपका जिसमें जो बड़ा होता है, जो एक्सल से अटैच होता है, वो आपका गियर होता है, और जो इसके साथ दूसरा गियर जिस जो इसके टीथ के साथ रन करता है, वो आपका क्या होता है, पिनॉयन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पिनॉयन कहते हैं। ये जो एक्सल से अटैच होगा इसको हम ड्राइविंग गियर भी कहेंगे, और जो इसके रन के साथ अटैच होगा इसको हम ड्राइविंग गियर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब वेलोसिटी रेशियो अगर निकालना हो तो ये जो ड्राइविंग गियर है, ठीक है, ये इसकी स्पीड, जो स्पीड है अपॉन जो ड्राइविंग गियर है, इसकी जो स्पीड होगी, ये कर दे तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाता है, या फिर ड्राइविंग गियर ये जो बना हुआ है इसका रेशियो अपॉन ड्राइविंग गियर का रेशियो कर दे तो निकल जाता है, या फिर जो ड्राइविंग गियर है इसके नंबर ऑफ टीथ काउंट कर लें अपॉन ड्राइविंग गियर के नंबर ऑफ टीथ काउंट कर लें तो ये वी आर आ जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज जस्ट उल्टा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग गियर, ठीक है, यानी वी आर का जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ मैंने एम आर लिखा हुआ है, मैकेनिकल ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइविंग गियर, ये एम ए आपका हो जाता है, या फिर जो रोटेशन मेक कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन मेक बाय ड्राइविंग गियर अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय ड्राइविंग गियर। अब कंडीशंस होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ पे अगर देखें, नंबर ऑफ टीथ अगर ज़्यादा हो गई ड्राइविंग गियर में, ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका ग्रेटर देन वन हो जाएगा। अगर कम हो गई ड्राइविंग गियर में नंबर ऑफ टीथ ड्राइविंग गियर से, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन हो जाएगा। अगर दोनों में नंबर ऑफ टीथ बराबर हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज वन हो जाता है। जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो जाता है तो ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह से गियर वर्क करते हैं, यानी स्पीड बढ़ने लगती है, और जब मैकेनिकल एडवांटेज आपका लेस देन वन होता है तो ये स्पीड रिड्यूसर की तरह से वर्क करता है गियर, यानी तब स्पीड ये कम कर रहा होता है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो एक ही स्पीड के साथ वो मूव करता रहता है, यानी टॉर्क आपका सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट टॉर्क होता है।